हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस पैनल मीटर के बारे में। ये वोल्ट और एम्पियर एक साथ दिखा सकता है और ये वाइडली अवेलेबल है मार्केट में। 200-250 में मिल जाता है और अमेजन में शायद 300 में मिलता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आज इस चीज़ का यूज करना सीखेंगे हम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना हमें तार मिल रहा है, 3 और 2, ये 5 तार मिल रहा है। तो 5 तार कैसे कनेक्ट होगी, ये एक बड़ी सवाल है। तो फ्रेंड्स एक बार इसको पावर दे देते हैं। तो ये रेड और ब्लैक ये दोनों पावर के लिए है। बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये पावर वगैरह देना है। जस्ट हम टेस्टिंग के लिए एक बार पावर दे देते हैं इसको। तो मैंने ये 5 वोल्ट की पावर इसमें दे दिया। अब देखिए ये जलने लगा। तो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट है, उसके बाद 1 डिजिट है, मतलब कि ये 100 वोल्ट की रेंज है। तो अगर आप 12 वोल्ट मेजर कर रहे हैं तो 12.5 या फिर 12.3 ऐसा रेंज मिलता है। तो इसमें जो रिजोल्यूशन है वो 0.1 वोल्ट की मिलता है, मतलब कि 12.35 है कि नहीं वो आप चेक नहीं कर पाएंगे, 3 तक चेक कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए एम्प रेंज में जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद है, मतलब कि ये 10 वोल्ट की रेंज है। 10 वोल्ट की रेंज मतलब कि 9.99 तक ये डिस्प्ले कर सकता है और वोल्टेज की मोड में ये डिस्प्ले कर सकता है 99.9 तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो 5 तार मिल रहा था उसमें से ये जो 3 है, ये 3 में से ये 2 है जो रेड और ब्लैक ये दोनों है पावर के लिए। ये तो आपको पता है कि पावर के लिए रेड में पॉजिटिव देना होता है, इसमें ब्लैक में नेगेटिव देना होता है। और ये जो येलो वायर है ये है वोल्टेज सेंस वायर, इसको आप जितना वोल्ट में देंगे उतना वोल्टेज का जो वैल्यू है वो दिखाएगा। ये देखिए मैंने 5 वोल्ट से यानी चार्जर से इसको पावर दिया, इसलिए ये 5.2 दिखा रहा है। और अगर हम कोई बैटरी की वोल्टेज मापना चाहते हैं तो इसकी प्लस को इस पिन में देना होगा और जो माइनस है उसको कॉमन करना होगा ग्राउंड के साथ, तभी इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो दिखाएगा। ये देखिए 1.2 वोल्ट। और दोस्तों यहाँ पर एक एम्प मीटर का ऑप्शन मिलता है, तो ये दोनों एम्पियर के लिए है। तो एम्पियर का जो इनपुट है मतलब कि पॉजिटिव है वो इसमें घुसती है और इसके अंदर से आके बाहर निकाल के लोड में जाती है। ओके, तो इस तरह से ये काम होती है। तो मैंने एक बैटरी लेके आपको दिखाता हूँ एम्पियर कैसे ये चेक करता है। तो इसका भी प्लस माइनस में देना होगा, बेसिकली मैं बैटरी को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो करंट की लिमिट है वो इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर लिमिटेड रहेगा। तो ये देखिए 80 मिली एम्पियर करंट ये दे पा रहा है, ये बैटरी का लाइफ लगभग ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों अभी मैं जो टेस्टिंग दिखाया इसमें ये जो पावर सप्लाई है ये अलग से दिया था और अलग पावर सप्लाई से इसकी जो वोल्टेज और करंट मापा गया था। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा कि इसको एक ही पावर सप्लाई से पावर देते हुए इसी का वोल्टेज और इससे जो करंट लिया जा रहा है उस करंट को कैसे मेजर करें, मतलब कि एक ही सिस्टम में ये लगा रहेगा, इसको पावर देने के लिए अलग कोई सिस्टम को हम यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंस वायर है इसको हमें डायरेक्टली जोड़ देना होगा इसका जो पॉजिटिव पावर सप्लाई मतलब कि रेड तार के साथ कुछ इस तरीके से, और जो ब्लैक तार है इसको जोड़ देना होगा ये जो करंट सप्लाई का ब्लैक तार के साथ। हालांकि ये इंटरनली जोड़ा रहता है लेकिन आप अगर जोड़ देते हैं तो अच्छा होता है। ओके, तो ये दोनों एक साथ बन गया, ये दोनों एक साथ बन गया। अब ये जो रेड बचा इसमें जो है आपका सप्लाई का जो नेगेटिव लगेगा और इसमें जो है आपका सप्लाई का पॉजिटिव लगेगा। तो अगर कोई लोड को आप कनेक्ट करते हैं, मतलब कि मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है इसी को मैं लोड के फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं रेजिस्टेंस को ऐसे यूज करूँ तो रेजिस्टेंस की जो पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी इस डायरेक्टली जो पॉजिटिव आ रहा है सप्लाई से उससे मिल जाएगी और नेगेटिव सप्लाई मिलेगा इस जो रेड तार है इससे। तो देखिए इस तरह से ये एम्पियर भी दिखाएगा और वोल्टेज भी साथ में दिखाता जाएगा। ये देखिए 4.8 वोल्ट और 0.45 एम्पियर। अब इसको एक सर्किट डायग्राम से अच्छे से समझाता हूँ कैसे कनेक्शन होती है। तो देखिए ये सेम कनेक्शन मैं यहाँ पर डायग्राम में बना के रखा। तो यहाँ पर देखिए कैसे ये कनेक्शन बना। तो ये जो पॉजिटिव इन हुआ वो चला गया आपका रेड और येलो दोनों में, जैसे कि मैं यहाँ पर रेड और येलो को कॉमन करके रखा था। और दोस्तों ये जो बीच वाला ब्लैक है और ये जो एम्पियर वाला ब्लैक है ये दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो इस यहाँ पर भी मैंने किया था इन दोनों ब्लैक को एक साथ कनेक्ट। ओके, और जो रेड बचा था उससे हमारा लोड का नेगेटिव लगेगा। तो ये देखिए रेड जो एम्पियर का है वो इस तरफ से जाके ये एम्पियर के नेगेटिव लग रहा है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है RBOI, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका बैटरी लग जाएगी, जैसे कि आप कोई 12 वोल्ट एडाप्टर बना रहे हैं, जैसे कि बैटरी चार्जर बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा चार्जर से आपका जो प्लस माइनस वो चली जाएगी डायरेक्टली इन दोनों में, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। उसके बाद ये इस तरफ से जाके जो लोड है आपका मतलब कि आप कोई बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर बैटरी आपका लग जाएगी।
तो बैटरी का जो पॉजिटिव आएगा यहाँ से और नेगेटिव इस तरफ से मिल जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन कैसे हो रहा है, तो करंट जो है चार्जर की पॉजिटिव से आया, करंट इस तरह से गया, ये देखिए आई का जो सिंबल दिया हुआ है, इस तरह से करंट गया, बैटरी में घुसा, बैटरी से निकल के वो करंट रिटर्न आएगा, नेगेटिव पाथ में रिटर्न आती है, पॉजिटिव में ये जाती है। तो इसमें जैसे रिटर्न आएगा, आई इस तरफ जा रही है और उसके बाद आई यहाँ पे आर मतलब कि रेड में घुस रहा है, उसके बाद जाके ये नेगेटिव से डायरेक्ट चार्जर में रिटर्न आ जाती है। तो दोस्तों आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए अब हम इसको खोलते हैं और इसके अंदर क्या है हम देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसके पीछे एक प्रीसेट मिला हमें, ये देखिए, तो इस प्रीसेट को घुमाने से क्या होता है ये हम देखेंगे अब, इसलिए इस प्रीसेट के साथ एक दाग दे दिया कि ये कैसा था, उसके बाद हम घुमाएंगे और इसकी वैल्यू में कैसा चेंज आ रहा है वो देखेंगे। तो ये देखिए वोल्टेज है 5.2 वोल्ट और इसको कनेक्ट करूँ तो एम्पियर जो जा रहा है वो है 0.45 एम्पियर। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा घुमाएंगे। कुछ चेंज हो रहा है क्या? तो देखिए इस प्रीसेट को मैं घुमा रहा हूँ, ओनली ये वोल्टेज को थोड़ा सा चेंज कर रहा है, ये देखिए 5.234, तो ये बहुत ही कम चेंज आ रहा है इससे। ओके तो ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए जस्ट। अब चलिए इसको खोल लेते हैं और देखते हैं अंदर में क्या है। ओके तो ये रहा अंदर की सिस्टम। तो इसके अंदर देखिए एक शंट रजिस्टर है R018, मतलब कि 0.018 ओम की ये शंट रजिस्टर है। इसके अंदर से करंट फ्लो होती है और बहुत ही कम एक वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो जाती है और उसको ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये पता लगाती है और इसकी वोल्टेज को निकलता है। और ये जो कंट्रोलर है ये है 74HC138D, ये IC है, तो ये मल्टीप्लेक्सर IC जैसे आपको बताया, ये दोनों डिस्प्ले को स्विच करता है प्रोबेबली। और यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर IC लगाया गया है, ये जो आप जो इनपुट देते हैं इनपुट में ये 30 वोल्ट तक ले सकता है, मिनिमम 4 वोल्ट, तो उतना वोल्टेज लेके ये 5 वोल्ट या 4 वोल्ट कुछ एक वोल्टेज में एडजस्ट करता है, उसके बाद ये आउटपुट देता है आगे ताकि ये चीज़ चल सके उससे। अब दोस्तों देखते हैं ये चलते हुए कितना करंट खाता है। तो ये लगभग 6 मिली एम्पियर करंट ले रहा है 5 वोल्ट में। दोस्तों इसका वोल्टेज रीडिंग को मैंने एडजस्ट कर दिया तो ये 5.3 वोल्ट 5.3 सेम दिखा रहा है। अब करंट को देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर 0.49 मतलब कि 0.5 एम्पियर मैं दे रहा हूँ, 0.62 एम्पियर दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत है। और इसका जो प्रीसेट है इसको एडजस्ट करने से ओनली वोल्टेज एडजस्ट हो रहा है, करंट एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें जो ये शंट रजिस्टर है इसको सोल्डरिंग करके डिसोल्डरिंग करके वगैरह वगैरह करके ठीक करना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा इसको। दोस्तों एक अजीब चीज़ यहाँ पर देखने को मिला जो है, इसके नीचे देखिए डिस्प्ले के नीचे दो स्विच है, इसके नीचे एक है यहाँ पर दबाया जाता है और इसके नीचे एक है, तो इन दोनों स्विच को दबाने से कुछ नहीं हो रहा है देखिए। तो क्या स्विच है, किस लिए है ये मुझे पता नहीं है, और इसको दबाने से भी कुछ नहीं हो रहा। तो अगर आपको पता है ये स्विच किस लिए है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर इस तरह के वीडियोज़ आपको देखना पसंद है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मेरा चैनल की वीडियोज़ देखिए, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।